अब खबर राजनीति की। जैसे जैसे उपचुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, डबरा में भाजपा प्रत्याशी इमरती देवी का पारा भी सातवें आसमान पर पहुंच रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा खुद को आइटम कहे जाने पर पलटवार करते हुए उन्होंने कमलनाथ को लुच्चा और लफंगा तक कह दिया। गुस्से में इमरती देवी ने अपनी पार्टी तक को भाड़ में जाने की बात कही। डबरा में चुनावी घमासान मचा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के भाजपा प्रत्याशी इमरती देवी को आइटम कहने के बाद कांग्रेस बैकफुट पर है और अब इमरती देवी आवेश में हैं। इमरती देवी डबरा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी हैं। जनसंपर्क के दौरान देवी पंडाल में वो भजन गाती और ढोलक बजाती नजर आईं। लेकिन देवी भजनों के बाद इमरती देवी ने कमलनाथ पर जमकर पलटवार किया और उन्हें खरी खोटी सुनाई। इमरती देवी ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को लुच्चा लफंगा तक कहा। वैसे भी जब किसी महिला की बेइज्जती की जाए तो उसे ऐसे जवाब मिलना लाजमी है। कल हमारे प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश में अगर पूर्व मुख्यमंत्री ऐसी भाषा बोल सकते हैं, हम बता दें, हम सही सही बात करते हैं। हमारे पे ना चाहे दतिया जिले में समझ लो, चाहे ग्वालियर में समझ लो, वैसे आदमी होते ना कवारी टाइप के, वो तो बस पूरे कुछ शराबी कवारी ऐसे ही वो बैठे रहते हैं, बहुत दूर पी पा के वो मेला निकलते तो क्या क्या आइटम जाना। तो ऐसे ही लुच्चे लफंगे पे कमलनाथ बन गए। अब उन्हें शर्म न जाए कि एक हम प्रतिनिधि है, अभी भी हम कैबिनेट में मंत्री हैं और वो ऐसी भाषा बोल के हमसे जा रहे हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ द्वारा अशोभनीय शब्द कहे जाने के बाद इमरती देवी के साथ साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और कई भाजपा नेता कमलनाथ पर भड़ास निकाल चुके हैं। हर तरफ कमलनाथ की आलोचना हो रही है। कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी भी कमलनाथ से असहमति जाहिर कर चुके हैं। इधर इस घटनाक्रम के बाद इमरती देवी आवेश में हैं। कार्यकर्ताओं से चर्चा में वे कहती हैं कि सारा देश उनके साथ है, पार्टी जाए भाड़ में। इमरती देवी खड़ी हो जाएगी, वो हिंदुस्तान खड़ा नहीं हो जाएगा। इनके संग इमरती देवी पार्टी जाए भाड़ में। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।